Assalamu alaikum everyone, kaifa hala to everyone, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine by the grace of Allah. And after a long time, I'm posting a YouTube video. बहुत आलसी हूँ मैं इसलिए. तो कुछ दिन पहले मैं Instagram पर स्टोरी डाला था कि ये सिम्पसन्स प्रिडिक्शन के ऊपर कुछ लोग बोले डालो, कुछ लोग बोले तक को डालो, लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी बोली डालो, वीडियो अपलोड करो. सो या द वीडियो इज़ हियर एंड बहुत टाइम हो गया वीडियो ने डाल के. एंड मेरे को एक कॉन्टेंट मतलब एक टॉपिक ढूंढना था कि किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ. सो आई गॉट दिस प्रिडिक्शन, सिम्पसन्स प्रिडिक्शन. तो लास्ट तक के देखिए प्लीज़, वीडियो एंड तक के देखिए. एंड में कैसी वीडियो बताऊँगा मैं आपको, छोटी सी क्लिप है. यू विल बी ऑल शॉक्ड इफ़ यू वॉच दैट वीडियो. हिंट अभी से दे देता हूं, प्रिडिक्शन है रशिया के ऊपर. तो वीडियो आगे ले जाने से पहले, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो कि आपको ऐसा प्रिडिक्शन कौन सा, मतलब ये जो मैं प्रिडिक्शन बोलूंगा कमेंट करो कि आपको कौन सा प्रिडिक्शन मिस्टीरियस लगा एंड स्केरी लगा. एंड हिट द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड इन एवरी अपडेट फ्रॉम IAMR व्लॉग्स. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले सिम्पसन्स एक अमेरिकन कार्टून है, जो कि एक अमेरिकन पुराना कार्टून है भाई, जो कि 90s में आता था. ये बहुत पॉपुलर था. सिम्पसन्स माना जाता है कि ये बहुत सारे प्रिडिक्शन करता था, वो एक्चुअली असली में आ रहे थे. सिम्पसन्स के बहुत सारे 40 से भी ज़्यादा प्रिडिक्शन है, कोरोना वायरस, क्वीन एलिजाबेथ, थोड़ा सा वॉर्स, बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शन है. अपने इंडिया के भी प्रिडिक्शन है जो कि इस आने वाली वीडियो में रहेंगे. इंडिया के भी बहुत सारे प्रिडिक्शन है एंड ओशन गेट का प्रिडिक्शन, बहुत सारे मतलब 40 से भी ज़्यादा इन लोगों के प्रिडिक्शन है. और थोड़े लोग मतलब आई एम कन्फ्यूज्ड डेट ये लोग टाइम ट्रैवल करते हैं या ये लोग हमारे या ये लोग फ्यूचर जान पूरा फ्यूचर जान गए. ये लोगों ने मार्स, ये लोगों ने एलन मस्क, ये लोगों ने एक ऐसी सी प्रिडिक्शन बताई है, वो भी आज के नहीं, 27 ईयर्स एगो एंड 37 ईयर्स एगो. वो लोगों ने 27 साल एंड 30 साल से पहले वो लोगों ने प्रिडिक्शन करा था और वो आज सही हो रहे. अब हम चलते हैं प्रिडिक्शन के ऊपर, जो कि फर्स्ट प्रिडिक्शन है फेस टाइम. फेस टाइम मतलब जैसे हम आगे पीछे, मतलब आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, IMO बहुत सारे वीडियो कॉल्स होते हैं. तो फेस टाइम हुआ था, जो कि अभी आपको वीडियो में दिखेगा. जो कि फेस टाइम बोलो तो एक ऐसा है कि हम एक दूसरे से सब फ़ोन पर बात कर सकते. तो सबसे फर्स्ट वाला प्रिडिक्शन है हमारा फेस टाइम, जो कि फेस टाइम में बताता है कि सीजन 6 एपिसोड 9 के अंदर कैसा हम एक दूसरे से फेस टाइम कर सकते हैं, जो कि आज अब हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और IMO में कर रहे. जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि टीवी में एक लेडी और दूसरी लेडी से फेस टाइम में बात. उसके बाद भाई आता सेकंड प्रिडिक्शन, स्मार्ट वॉच. सबको मालूम आजकल कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता, आजकल सब इसका ज़माना है. यदि एक नॉर्मल वॉच है, खैर स्मार्ट वॉच का वो लोगों ने प्रिडिक्शन किया था. सब लोग आज फ़ोन तो यूज़ नहीं करते, स्मार्ट वॉच से आजकल सब बात कर रहे हैं, आधे से आधा काम स्मार्ट वॉच से हो जा रहा. तो सेकेंड प्रिडिक्शन So as we see, smartwatch season 6 episode 19 में बताया जा रहा था कि एक आदमी कैसा स्मार्ट वॉच से एक दूसरे से बात कर रहा था. और आज की दुनिया में सब जनी स्मार्ट वॉच से बात कर रहे. तो ये लोगों ने प्रिडिक्शन किया था 1995 एंड केम ट्रू इन 2014. तीसरा प्रिडिक्शन आता जो कि है कैमरा. कौन सा कैमरा? GoPro का कैमरा, जो कि एक ऐसा बेहतरीन कैमरा है. उसको साइकिलिंग करते वक्त एक GoPro का YouTube चैनल भी है, जो कि कैसे वीडियोस आते हैं उसके बेहतरीन. और वो लोगों ने प्रिडिक्शन किया था ऑलमोस्ट 15 साल पहले वो लोगों ने प्रिडिक्शन. सो दिस इज द अनदर प्रिडिक्शन, ए GoPro.
प्रिडिक्ट हुआ था 1994 में सीजन 5 एपिसोड 13 में कि गोप्रो कैसा आया था। एक सिम्पसन्स ने कार्टून ने एक हैट के अंदर गोप्रो का कैमरा डाला था और उसने उसको गोप्रो का कैमरा बहुत भारी लगा था तो उसने कैमरे को नीचे रख दिया एज ए हैवी वेट एंड ही वरीड अबाउट इट व्हाट इज इन द हैट। और आज के टाइम पे सब जनी गोप्रो से वीडियो। फोर्थ प्रिडिक्शन इज फॉल्ट वोटिंग मशीन्स। फॉल्ट वोटिंग मशीन्स बोलो तो ये मैक मियान को मतलब ये हमारे होमस भाई क्या करते हैं, बराक ओबामा को वोट करने की बजाय किसी और दूसरे कैंडिडेट को वोट कर देते। और ये वाकई ये अभी इंडिया में भी हाल हाल में हुआ है कि फॉल्ट वोटिंग मशीन्स, ये भाई समझ में नहीं आता इलेक्शन आते कि ये फॉल्ट वोटिंग मशीन्स अपने आप खराब, मतलब ये अंदर से कुछ खराब हुआ है या क्या है नहीं मालूम। लेकिन ये फॉल्ट वोटिंग मशीन्स अप्रॉक्सीमेटली 12 साल पहले ये लोगों ने प्रिडिक्ट हुआ था 2008 में सीजन 20 एपिसोड 4। तो होमर ने जॉन मैककेन को वोट डाला था जबकि डाला था बराक ओबामा को और ये 2012 में ट्रू हो चुका था। वो होमर एकदम घबराहट में आ गए थे कि क्या हो रहा है फॉल्ट वोटिंग मशीन के साथ और 2023 में भी ये ट्रू हो चुका था। तो होमर ही वेंट इन द इनसाइड ऑफ द वोटिंग मशीन एंड 2012 में जैसे कि आप देख सकते फॉल्ट वोटिंग मशीन सही में भी हो चुका था एट सीजन 20 एपिसोड 4। फिफ्थ वाला प्रिडिक्शन है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नाम तो सुनेंगे भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब तो कौन सा प्रेसिडेंट है, सॉरी 2000 years later। प्रेडिक्ट हुआ था 2000 सीजन 11 एपिसोड 17 के अंदर होमर्स एक एक्सीलेटर पे अचानक से चले गए थे और उनको एक सामयिक आदमी दिख रहा था जो कि है यूएस के प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप एंड इट केम ट्रू इन 2016 15 ईयर्स के बाद। एज इट इज़ हम देख रहे हैं कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट as it is shown in 2000 and in 2015 as it is shown in the prediction है NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। इसका मतलब ये है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब ये है ये लोग एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन स्नूपिंग कर देते। स्नूपिंग मतलब चोरी छुपके एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मालूम करना, जैसे अपने यहाँ हैकिंग बोलते वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में वही होता था, स्नूपिंग करते थे ये लोग एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन जान लेते थे और बहुत सारा डाटा हैक कर लेते थे। ये भी प्रिडिक्शन कब हुआ बोलो तो ये प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट ये प्रिडिक्ट हुआ था 2007 एंड केम टू इन 2013। सिम्पसन्स की मूवी में एक बताया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कैसा लोग इन्फॉर्मेशन लोगों की जान रहे, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन कैसा जान रहे हैं एंड 2013 में ये हैकिंग बोलते हैं। वन थिंग इज ये कोई अभी जो मैं बोला नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये कोई कौन सा भी एपिसोड ये कोई एपिसोड सीजन नहीं है, ये एक मूवी में सिम्पसन्स की मूवी में 7th प्रिडिक्शन जो कि आता है नोबल प्राइज विनर जो कि हमारे एक इंडियन कैंडिडेट का इकोनॉमिक्स में एक इंडियन लीडर का नाम है जिसका नाम है जगदीश भगवती जो कि इकोनॉमिक्स में उनका नाम आया था नोबल प्राइज विनर के अंदर। तो ये एक तो शॉकिंग रिएक्शन है कि हमारे इंडियन लीडर का नाम आया वो भी इकोनॉमिक्स में, वो भी अमेरिकन के कार्टून में जगदीश भगवती, नोट डाउन द नेम। और ये प्रिडिक्शन 10 साल पहले हुआ था 2010 एंड केम ट्रू इन 2016। जैसे इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज विनर चल रहा था एंड नोबल ये अनाउंस कर रहे थे ये लोग एंड इकोनॉमिक्स में हमारे एक इंडियन लीडर का नाम आया था जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं एंड दे आर अनाउंसिंग दैट जगदीश भगवती एज वी सी प्रिडिक्टेड इन 2014 सीजन 25 एपिसोड 16 में बता रहा था कि फीफा कैसा करप्ट हो चुका था डिसहॉनेस्ट एंड मनी एक्सचेंजिंग में ये लीडर को कैसा अरेस्ट करे थे एंड 2015 में वे सीच हुआ था कुछ एक साल के बाद। सो एज वी सी इन द वीडियो द हाउ द लीडर आर अरेस्टेड एंड इस पे ब्राज़ील की टीम का भी नाम आया था इस वीडियो के अंदर। 98 सीजन 10 एपिसोड 2 में जो कि हमारे होमर जी एक टीचर बन गए थे जिसने एक फिजिक्स के लॉ में ये डाला था एक मार्क एंड उन्होंने फिर से चेक करा कि क्या हुआ,
तो उनको बाद में पता चला कि उनका पूरा व्लॉग गलत गया एंड दैट्स बिकम ट्रू। फिर इन्होंने 3987 डाला, उसके बाद ये प्रिडिक्शन वाकई में ट्रू हो गया एंड सिम्पसन्स के ऊपर एक बुक वाला प्रिडिक्शन मिस्टीरियस होने वाले। 11th हमारा प्रिडिक्शन है वेस्ट अफ्रीकन में इबोला वायरस अटैक ब्रेकआउट। तो ये यहाँ पर होता क्या है बोलो तो, जैसा COVID-19 हमारे पास कैसे आया था 2019 में, वैसे ही वेस्टर्न अफ्रीका में एक US इबोला वायरस अटैक हुआ था जो कि 11,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अंदर ये बताया गया कि सोशल इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ था उस टाइम एट द टाइम ऑफ 1997 या 2000 में ऐसा वायरस अटैक हुआ था वहाँ पर, 11,000 से लोग जान खो दिए, वो सोशल इकोनॉमिक डिसरप्शन अलग। प्रेडिक्टेड इन 1997 सीजन 9 एपिसोड 3 में बताया गया था कि USA में इबोला अटैक कैसा वो एक्सप्लोजन हुआ था USA में एंड इन 2014 दे केम ट्रू एंड बहुत मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर टेंशन आ गया था कि ये प्रेडिक्ट वाकई में ट्रू हो चुका था एंड अफ्रीका में ये एक्सप्लोज हुआ हो चुका था एज ए COVID-19। सो एज नेक्स्ट हमारा 12th वाला प्रिडिक्शन है ग्रीस डेब्ट डिफॉल्ट। ये प्रिडिक्शन हुआ था 12 साल पहले इन द 2012, ये प्रिडिक्ट हुआ था 2012 में। अब ग्रीस डेब्ट डिफॉल्ट में बोलो तो ये लोगों ने 240 बिलियन यूरोज भरे थे और ये लोग अलग लोन्स, इंटरनेशनल लोन्स और इकोनॉमिक्स में अलग ये लोग फॉल हो गए थे, लॉस हो गया था ये लोग का, मतलब लोन्स एंड इकोनॉमिक, इंटरनेशनल जो लोन्स रहते हैं वो जो इकोनॉमिक जो रहती है। 2012 सीजन 23 एपिसोड 10 के अंदर बताया गया था कि सिटी ने कैसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड लोन्स के ऊपर बहुत टेंशन आ चुकी थी एंड इसके अंदर वीडियो के अंदर बराक ओबामा का भी नाम आया था एंड इसके पीछे यूरोप का हाथ था जो कि सिटी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और लोन्स में लाया था। 13 वाला आता है प्रिडिक्शन रॉय हॉर्न्स टाइगर अटैक। एक बेसिकली भाई आज के टाइम पे सबको अपने जानवर पसंद, पेट्स पसंद, थोड़े शौकीन क्या है बोलो तो दुबई में है देखो अपने शेखों के पास शेर। तो एक US में एक जर्नी के पास शेर था जिसका नाम था रॉय हॉर्न्स, तो उन्हें इसके टाइगर को बहुत चाहता था भाई। तो कार्टून में क्या बताया गया बोलते एक सर्कस में रॉय हॉर्न्स अपने टाइगर को लेके जाता। और ये प्रिडिक्ट कब हुआ था, 1992 में हुआ था ये प्रिडिक्ट। अब आप अंदाज़ा लगा लो कितने साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स हो जाएंगे। तो उसी टाइम वो शेयर क्या करा उसके, दिस प्रिडिक्शन हैपेंड इन 1993 सीजन 5 एपिसोड 10 के अंदर बताया गया था कि एक सर्कस के अंदर कैसे एक शेर ने खुद के ही मालिक को चीर फाड़ दिया था एंड इट केम ट्रू इन 2003। वो अपने टाइगर को बहुत प्यार करता था और उसने उम्मीद भी नहीं करी थी, उसने सोचा भी नहीं था कि ये सही में भी होएगा। और जैसे कि इस वीडियो की क्लिप में आप देख रहे हैं कि ये वाकई में ट्रू हो चुका था एंड ही लव्स हिज एनिमल एज वी सी इन द वीडियो एंड इट केम ट्रू इन 2003। ये प्रेडिक्ट हुआ था 2012 में सीजन 23 एपिसोड 22 में बताया गया था कि लेडी गागा कैसा फ्लाई होकर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड इट केम ट्रू इन 2017। वैसे ही एज इट इज हम जैसे कार्टून में देख रहे हैं एज इट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ एंड दिस इज द मिस्टीरियस थिंग विच आई हर्ड इन दिस वीडियो। प्रेडिक्शन हैपेंड इन 1998 सीजन 10 एपिसोड 5 के अंदर बताया गया था कि डिज्नी कैसा फॉक्स को ओन कर लिया था एंड इट केम ट्रू इन 2017 एंड डिज्नी पेड $71 बिलियन टू ओन 20th सेंचुरी फॉक्स एंड इट केम ट्रू इन 2017 एंड ट्विटर में भी बहुत वायरल हुआ था ये। प्रेडिक्ट हुआ था 1997 सीजन 9 एपिसोड 1 के अंदर बताया गया था कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर टेररिस्ट ने कैसा अटैक करा था और ये प्रेडिक्ट हुआ था 2000, ये असली में 2001 में इट केम ट्रू इन न्यूयॉर्क सिटी।
तो ये एक टेररिस्ट ने अटैक किया था और इसके अंदर 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। एंड द पीपल आर शॉक्ड दैट हाउ इट केम ट्रू इन 2001। सो एज वी सी इन द रियल वीडियो दैट बहुत सारे लोग बस इधर से उधर भाग रहे हैं और ये टेररिस्ट। दिस प्रिडिक्शन हैपेंड इन 1993 सीजन 10 एपिसोड 1 के अंदर बताया गया था कि कोविड-19 कैसा आया था। तो होमर ने एक मिक्सर जूसर ऑर्डर किया था जो कि एक वर्कर ने उसके ऊपर खास दिया था और ये पार्सल सीधा जाता है होमर के घर पे एंड 6 to 8 weeks के बाद उसको एक पार्सल डिलीवर उसका बेटा उसको पार्सल देता है और वो जैसे पार्सल खोलता है उसके बाद वो वायरस उसको लग जाता है एंड मैनी पीपल हैव इन्फेक्टेड विद दिस वायरस एंड इट केम ट्रू इन 2019 एज वी ऑल नो हाउ वी सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस इन 2019 फ्रॉम 2019 to 2021। Happened in 2012 season 17 episode 23 के अंदर बताया गया कि होमस एक एआई रोबोट से मिलते हैं जो कि उनको करंट देख के नीचे गिरा देता है। उसके बाद होमस एकदम शॉकिंग हो जाते हैं कि इतने सारे एआई रोबोट बन गए। उसके बाद साइंटिस्ट ने इतने सारे एआई रोबोट्स को बनाया है एंड होमस समथिंग आस्क टू दिस रोबोट एंड वो सवाल का जवाब देता है होमर को एंड ही लाफ्ड एंड दिस हैपेंस इन 2022 एज वी सी ह्यूमन से ज़्यादा एआई रोबोट्स अब आगे चले चुके हैं। जैसे कि आपको रियल वीडियो की क्लिप में दिख रहा है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इन्हें एंड ये ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट। 18th वाला आता है हमारे एलन भैया के ऊपर, एलन मस्क जो कि ही इज़ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। पहले हमारे निज़ाम सरकार थे, उससे भी पहले मानसा मूसा थे, लेकिन अब ज़रा एलन मस्क आ गए। ठीक है, वो तो होते रहता। हमारे एलन मस्क जो कि हमारे को मार्स पे भेजने की तैयारी कर रहे थे, सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट 2006 में कर दिया था। तो अभी तो केम ट्रू तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2006 में ये लोगों ने प्रिडिक्ट करा था। प्रिडिक्ट हुआ था 2006 सीजन 27 एपिसोड 6 के अंदर बताया गया कि होमस और उसकी फैमिली लाइन में ठहरी हुई है, वो लोग को भी एक बार मार्स पे ट्रैवल करना है एंड इट कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यूचर मे बी बिकॉज वी कैन ट्रैवल इन द मार्स। और जैसे ही होमस उसकी फैमिली जाती है लिफ्ट के पास, वो लिफ्ट बंद हो जाती है एंड दिस फैमिली आर वेटिंग फॉर गोइंग। हुआ था 2006 सीजन 17 एपिसोड 10 के अंदर बताया गया कि होमस और उसका फादर जाते हैं नीचे सबमरीन को, सॉरी नॉट सबमरीन, टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के लिए। और होमस बहुत एक्साइटेड होता है नीचे ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर उसके बाद ये दोनों जाते हैं ओशन गेट की सबमरीन पे अंदर बैठ के, फिर वो जाते हैं टाइटैनिक के पास उसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड होमस बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार ओशन को एक्सप्लोर कर रहा है एंड बोथ आर सी द टाइटैनिक वॉज देयर, आधे टुकड़ों में अलग अलग हुई हुई है टाइटैनिक। उसके बाद वो दोनों को एक ट्रेजर मिलता है जिसको लेके वो ऊपर ही जा रहे होते हैं। होमस को ट्रेजर मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। वो फिर होमस वो फिश के पीछे जाता है, उसके बाद उसको कोई कुछ चीज़ जो है ओशन में रोक लेती है। उसके बाद होमस बहुत कोशिश करता है उसको आगे ले जाने की, उसके बाद वो सबमरीन नहीं जा पाती है। उसके बाद एज वी सी ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लोअर एंड ऑक्सीजन स्लाइटली एंड दिस प्रिडिक्शन हैपेंड इन 2022 इन द रियल फुटेज। जैसे कि लो प्रेशर की वजह से ओशन गेट गेट्स एक्सप्लोजन। 2000 years prediction happened in 2001 season 15 episode 7 के अंदर बताया जा रहा था कि कैसा क्वीन एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है, उसके गास होमस को मारने लगते हैं एंड उसकी डेथ भी मालूम हो जाती है 1926-2022 में एंड इट केम ट्रू रियली इन 2022 एज वी सी इन द रियल वीडियो कि कैसा क्वीन एलिजाबेथ इस दुनिया से चले चुकी है। सो एवरीबॉडी आर शॉक्ड दिस प्रिडिक्शन इज हैपेंड इन रियल लाइफ एंड आज हमारे बीच क्वीन एलिजाबेथ नहीं है एंड ये प्रिडिक्ट हुआ था 2001 में सीजन 15 एपिसोड 17 के अंदर, कि उसके अंदर डेट भी मेंशन करी थी कि कब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होने वाली है। It's modern times. Everyone's doing it. Where did my Christian limo driver go? My pie
Olivia's husband is missing. The baby I chose to have baptized is gone. Mr. Thompson, what's happening? It's the rapture, Shauna. The rapture. The virtuous have gone to heaven, and the rest of us have been left below. We were fools. And because we rejected God, tacitly accepting Satan, we must suffer through the apocalypse. I thought all religions were a path to God. I was wrong.